अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आप सबके साथ हसन। आपके सामने एक आज नई इलेक्ट्रिक व्हील चेयर का रिव्यू लेके हाजिर हुआ हूं। ये मैंने एक नई इलेक्ट्रिक व्हील चेयर तैयार किया है, ये कश्मीर का एक भाई हैं उनके लिए ये तैयार हो गया है। और इसका आज मैं आपको इस वीडियो में मुकम्मल रिव्यू दूंगा कि इसमें क्या क्या चेंजिंग की है, तो क्या कितनी वोल्ट की बैटरी लगी है, कितनी वोल्ट की जो है ना वो मोटर लगी है, कितनी स्पीड है इसकी, कितनी देर में ये चार्जिंग हो जाती है और एक चार्जिंग के ऊपर कितने किलोमीटर ये सफ़र तय करती है। तो ये मुकम्मल आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखें, जो मैं चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बने हुए घंटी के निशान को ऑल पे सेलेक्ट कर दें क्योंकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुँच सके। तो जिस भी मज़दूर भाई को ये व्हील चेयर बनवानी हो वो मैं अपना नीचे नंबर ऐड कर दूँगा, वो मुझसे रब्ता करे तो इंशाल्लाह उसको उसके हिसाब से व्हील चेयर बना के दूँगा। जिस भाई को जिस किस्म की चाहिए होगी, जो जो चीज़ वो चाहता होगा कि ये मेरी व्हील चेयर में होनी चाहिए, वो इंशाल्लाह उसको लगा के दूँगा। तो इसमें दोस्तों मैंने कितने वोल्ट की बैटरी इंस्टॉल की है और कितने वोल्ट की मोटर लगाई है, ये सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। इसके फ्रंट रिम के अंदर मैंने लगाई है BLDC जो हब मोटर होती है वो 36 से 48 वोल्ट और 350 वाट की मैंने इसके अंदर हब मोटर फ्रंट व्हील में इंस्टॉल किया है। रिम साइज इसका CD वाला है, 17 के रिम में इंस्टॉल किया है, बाइक के जो फ्रंट पे डलते हैं। तो इससे जो है इस मोटर व्हील चेयर की पावर जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। इसके साथ मैंने बैटरी कौन सी लगाई है दोस्तों, बैटरी मैंने लगाई है लिथियम आयन बैटरी, 36 वोल्ट की बैटरी इसके साथ लगाई है, 15 एम्पीयर की। साथ इसके चार्जर है लिथियम चार्जर, ये एक चार्जिंग में मैक्सिमम ये 30 से 35 किलोमीटर का सफ़र आसानी से तय कर सकती है। और ये चार्जिंग दोस्तों 2 से 3 घंटे के अंदर ये फुल चार्ज हो जाती है, चार्जिंग पे ये 30 से 35 किलोमीटर की माइलेज देती है। उसके अलावा दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इसकी स्पीड कितनी है, तो इसकी स्पीड जो है दोस्तों वो 30 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से ये चलती है, इसकी स्पीड 30 किलोमीटर तक जाती है। तो इसमें दोस्तों हमने चेंजिंग क्या क्या की हैं वो आपको बताते हैं। सबसे पहले तो हमने इसके अंदर जो है सीट्स वो चेंज कर दी हैं, पिछली वाली की जो बाइक की डिमांड थी वो जेन्युइन सीट रखना चाह रहे थे तो उसमें हमने जेन्युइन लगाई थी। इसके अंदर हमने लेदर वाली जो होती हैं नरम सीट वो लगाई हैं, हाथों वाला और बैक साइड, ये जिस तरह कोई कस्टमर चाहे, जिस तरह कोई दोस्त चाहे कि इस तरह की सीटें लगा के दें वो उसी हिसाब से लगा के दे देता हूँ। दूसरे नंबर पे इसके जो बाजू वाले हैं वो फोल्डिंग वाले हैं, अगर ये भी कोई बाइक को मसला होता है उतरने में तो ये इसको ऊपर करके आसानी से वो चारपाई वगैरह के ऊपर बैठ सकता है, फिर जब इसके ऊपर वो बैठ जाए तो इसको वापस नीचे कर ले। तो उसके बाद हमने इसके टायरों के ऊपर माडी गार्ड लगाए हैं, माडी गार्ड क्योंकि ये जब पानी वगैरह में से गुजरेंगे तो पानी जो है ना वो ऊपर इसके अंदर माडी गार्ड भी है, इसमें अटैच किए हैं, ये भी इसमें चेंजिंग की है। उसके बाद हमने जो इसके अंदर संभली है वो हमने दोस्तों वही वाली लगाई है, पहले जो पहले वाली व्हील चेयर में लगाई थी। ये क्यों लगाई है, क्योंकि इसका रिजल्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मिला है, इसकी वर्किंग जो है वो बहुत ही बेहतरीन है, बटन वगैरह ठीक काम करते हैं, तो इसको हमने चेंज नहीं किया, ये वही रहने दिया है। उसके बाद हमने डिस्प्ले मीटर और जो चाबी स्विच होता है वो ख़त्म कर दिया है, हमने थ्रोटल जो है वो अपग्रेड किया है, अब हमने डिस्प्ले वाला थ्रोटल डाला है। इधर इसके थ्रोटल है रेस, इसके साथ डिस्प्ले है, इसके साथ जो है ना वो चाबी स्विच भी साथ ही है। इसको ऑन करते हैं तो ये ऊपर बैटरी की इंडिकेशन आपको शो हो रही होगी, इधर बैटरी लिखी हो आ रही है कैमरे में, सही तरीके से आपको शायद पता ना चल रहा हो, लेकिन ये इसका डिस्प्ले है, ये इसका ऑन ऑफ है और इधर ही साथ इसका थ्रॉटल लगा हुआ है। उसके साथ हमने ये जो इसकी ब्रेक सिस्टम लगाया है ये हमने चेंज किया है, पहले वाले के अंदर फ्रंट में डिस्क ब्रेक होती थी, इसमें हमने जो है वो डिस्क ब्रेक ख़त्म करके दोनों हाथों पे जो है ना वो बैक ब्रेक लगाई हैं। ब्रेक जो हमने वो साइकिल वाली फुटके वाली ब्रेक लगाई हैं, ये भी जो है बेहतरीन परफॉर्मेंस देती हैं। तो ये जो क्योंकि ये आज़ाद कश्मीर में जानी है तो ये मसला था कि अगर चढ़ाई लाई का मसला था और फ्रंट डिस्क ब्रेक जो थी वो थोड़ी सी हार्ड होती थी, इसलिए अब हमने इसकी जो है बैक टायर में दोनों हाथों पे ब्रेक लगाई हैं, इनकी पकड़ भी ज़बरदस्त है और ये भी एक इसमें हमने चेंजिंग कर दिया, फ्रंट के ऊपर इसके कोई ब्रेक डिस्क वगैरह नहीं लगा। तो इस बार हमने दोस्तों इसके फ्रेम के अंदर भी चेंजिंग की है, ये देख सकते हैं हमने इसके अंदर ये जो इसका फ्रेम थोड़ा सा हैवी किया है, हैवी मटेरियल का फ्रेम, और इसकी जो ग्राउंड क्लीनर्स है वो भी थोड़ी सी हमने हाइट इसकी बढ़ाई है।
क्योंकि जो ज्यादा बड़े स्पीड ब्रेकर, क्योंकि पाकिस्तान में काफी ज्यादा बड़े बड़े भी स्पीड ब्रेकर होते हैं, तो उनमें कई जगह पे मसला बनता था, तो इसलिए हमने इसकी हाइट में भी थोड़ी सी जो है ना वो भी ऊंची ऊंची कर दी है। बाकी हमने पायदान इसके सेम रखे हैं, फोल्डिंग वाले जो जेन्युइन होते हैं। उसके बाद हमने फ्रंट लुक इसकी चेंज कर दिया। फ्रंट लुक में अब सिर्फ लाइट मिलेगी आपको, थ्री फंक्शनल लाइट है, तो जो है ना इसके अंदर तीन फंक्शन है बेसिकली, एक वाइट बल्ब चलती है, एक वाइट में फ्लशर है और एक येलो, और एक येलो में फ्लशर, ठीक है। और बाकी नीचे वाली लाइटें हमने सेम रखी हैं। और उसके बाद जो हॉर्न है वो हमने जो है ना वो इधर सामने से हटा के वो हम नीचे लेके गए हैं। वो हॉर्न नीचे है क्योंकि वो जो फ्रंट पे हॉर्न होता था तो वो हॉर्न इतना जो है ना वो अच्छा नहीं लगता था, और लोग को भी काफ़ी जो है ना वो सही नहीं, सूटेबल नहीं होता था, इसलिए हमने फ्रंट पे बिल्कुल एक लाइट लगाई है। हॉर्न को हमने नीचे कर दिया, इसकी हाइट थोड़ी सी ऊपर किया और फ्रेम में इसकी चेंजिंग किया, माशाल्लाह इसका ज़बरदस्त मजबूत फ्रेम बना। तो ये दोस्तों जो मैंने व्हील चेयर तैयार किया है, ये एक भाई का ऑर्डर मुझे मिला था दुबई से, वो भाई दुबई होते हैं खुद, और उनका वो छोटा भाई है डिसेबल, उनके लिए उन्होंने तैयार किया, उनको उन्होंने सरप्राइज देना था बर्थडे पर। और तो ये जो व्हील चेयर तैयार हुई है ना, ये बिल्कुल जैसे उन्होंने बताया कि हमको ये चीज़ इसमें चाहिए, ये इसमें होनी चाहिए, उनकी मुकम्मल उनके हिसाब से तैयार की है। उनके थ्रोटल जो डिस्प्ले वाले ये यानी कि सीट वगैरह हर चीज़ उनके हिसाब से है। बाकी अगर कोई भाई जिसका एक हाथ काम करते हो, एक पाँव काम करते हो, या दोनों हाथ काम करते हो, या दोनों पाँव करते हो, उनके हिसाब से भी व्हील चेयर तैयार हो सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी ये टेक्नोलॉजी मौजूद है कि कोई जिस तरह से चाहेगा उनको हम बना के देंगे। जिस तरह अगर किसी भाई का एक हाथ भी काम करता हुआ होगा तो वो भी इंशाल्लाह आप उसको भी कोई मसला नहीं होगा, मुताजी नहीं होगी और परेशानी नहीं होगी, वो भी व्हील चेयर बनवा के अपनी और खुद घूम फिर सकेगा। तो जिस बाइक को जिस किस्म की चाहिए, थ्रोटल इसके अंदर बहुत सी वैरायटी आती है। ये मैंने लगाया है जो है ना वो हाथ वाला थ्रोटल है, यानी कि इसके अंदर थ्रोटल होते हैं, थंब वाले होते हैं, वो सिर्फ अंगूठे से भी दबाए जा सकते हैं। इसके अंदर पाँव वाला थ्रोटल आता है, वो भी लगा के दे देते हैं। जिस किस्म की बाइक को जो चीज़ जिधर भी चाहिए होगी ना, हाथ के अंदर चाहिए होगी, पाँव के नीचे चाहिए होगी, उधर इंशाल्लाह हम लगा के देंगे। अब पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में हम काम कर रहे हैं। तो जिस भाई ने भी इलेक्ट्रिक व्हील चेयर बनवानी हो, किसी भी तरीके की बनवानी हो, वो मुझसे स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर शो हो रहा है, मुझे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करे तो इंशाल्लाह मैं उसको बना के दूंगा। तो ये था हमारा आज की व्हील चेयर का रिव्यू। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।